कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ी सा हार्ड भी माना जाता है। तो आज की अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कुछ भी आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और अब देखते हैं नेस्टेड लूप की डेफिनेशन। नेस्टेड लूप, ए लूप मे कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी, दिस फॉर्म ऑफ ए लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इट मीन्स, मैंने आपको पहले भी बताया था नेस्टेड इफ जब हम पढ़ रहे थे कि क्या होता है। नेस्टेड इफ में क्या होता था, एक इफ के अंदर जब दूसरा इफ आ जाता था उसको हम नेस्टेड कहते थे, ठीक है। तो सेम एज जैसा यहाँ भी है, अगर एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप आ जाता है उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप, ठीक है। तो नेस्टेड लूप का जनरली यूज कहाँ होता है, जब आपके पैटर्न बनाने होते हैं। जैसे पैटर्न क्या था, जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, या जो मैंने एस्ट्रिक वाला पैटर्न बना के रखा है, इसमें क्या होता है, रो और कॉलम के बेस पर काम होता है। तो यहाँ पर हमें नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रो और कॉलम के फॉर्म में वर्क है, तो दो लूप लगाने होते हैं। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में ये कैसे काम करते हैं और कैसे हम सही आउटपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फिर एग्जांपल। मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ, फर्स्ट रो में एक स्टार है, सेकंड रो में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 और फिफ्थ में 5। जो ये रो जनरेट होती है वो आउटर लूप से होती है। जो बाहर वाला लूप है आपका, ये रो के लिए होता है, और ये जो इनर लूप होता है ये कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये बात हम सबसे पहले समझ गए हैं कि जो आउटर लूप है ये आपका रो बनाएगा और जो इनर लूप है आपका कॉलम के लिए होगा, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ पर ये थोड़ी सा पैटर्न खराब हो जा रहा है कॉलम लिखने में, तो मैं लिखता नहीं अब, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, अब मुझे ऑब्जर्वेशन ये करना है कि इसमें कितनी रो हैं। भैया इसमें 5 रो हैं, ठीक है। रो कैसे होते हैं, हॉरिजेंटल लाइन रो होती है, ये ऐसे ये रो है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन रो होती है और वर्टिकल लाइन कॉलम होती है, ठीक। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरे पास 5 रो हैं, तो मैं सबसे पहले अपने बाहर वाले लूप में ये डिसाइड कर लूंगा कि कितनी रो हैं। तो मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 1,6। अब 1,6 क्यों लिखा होगा, बिकॉज ये जो होता है, आपको मैंने बताया था लूप में अपर लिमिट को कंसिडर नहीं करता है, उससे एक कम चलता है। तो ये 1-5 ही रो बनाएगा क्योंकि 6 को ये कंसिडर नहीं करेगा, ठीक। और जे क्या करा है मैंने, इनर लूप जो कॉलम के लिए है, फॉर जे इन रेंज 1-i+1। तो आप अगर देख पा रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है, जितनी रो है उतने ही कॉलम आ रहे हैं, उतने ही एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो भी रो की आपकी संख्या है उसमें उतने ही एस्ट्रिक बन रहे हैं। अगर रो की संख्या 1 है तो उसमें 1 ही एस्ट्रिक बन रहा है, रो की संख्या 2 है तो उसमें एस्ट्रिक 2 बन रहे हैं, अगर रो की संख्या 3 है तो एस्ट्रिक 3 बन रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है, ठीक। तो मैंने क्या लिखा, फॉर जे इन रेंज i+1, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि j कहां से चले, 1 से लेके i+1 तक, मतलब जितनी रो की संख्या है उतने ही तक। तो एक कम चलेगा, i+1 क्या है, तो क्योंकि अपर लिमिट को कंसिडर नहीं करेगा। जैसे आपकी रो की संख्या 1 है तो ये मैंने i+1 2 लिखा है, तो ये कहाँ तक चलेगा, 1 तक ही चलेगा। अब जब आपकी i की संख्या 2 होके आएगी तो यहाँ पर 3 होगा, चलेगा 2 ही तक, ठीक। और ये प्रिंट एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। ये जो एंड आपका काम करता है, ये लाइन में आपको कंटिन्यू बनाए रखता है, और प्रिंट ये वाला प्रिंट क्या कर रहा है, आपको नई लाइन पे ला रहा है। तो चलिए आपको अब मैं इसकी वर्किंग डिटेल में बताता हूँ, ध्यान देना, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा भैया, आपकी यहाँ से i की वैल्यू 1 होके आई इस वाली जगह से, ठीक। i की वैल्यू 1 होके आई मतलब एक रो का आपका निर्माण हो गया है, ठीक। अभी हम यहाँ पर आए तो j की वैल्यू, j में अंदर आए, j वाले लूप पे, ये यहाँ से चलेगा, i की वैल्यू 1 है, 1+1 2, तो ये इसकी रेंज क्या मिली, 1-2 तक, तो चलेगा कहाँ तक, 1 ही तक चलेगा, तो एक 1 तक चलेगा, तो एक एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। और इस एंड ने क्या करा, इसको लाइन पे कंटिन्यू बनाए रखा, कर्सर हमारा इसी लाइन पर रहेगा।
अब ये जब फिर दोबारा यहाँ जाएगा, इनर लूप में जाएगा, दो होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि हमारा एक ही तक काम करेगा। जब कंडीशन फॉल्स होती है तब ये लूप बाहर आ जाता है, इस वाली लाइन पर आ जाएगा, और इसका मतलब है ये न्यू लाइन पर कर्सर लेके आएगा। तो न्यू लाइन पर लेके आएगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। अब आपकी यहाँ पर रो की संख्या दो होगी, ठीक है जी, दो हुई, तो दो हुई तो नीचे आया, यहाँ पर आई की वैल्यू टू हो गई, थ्री तक तो चलेगा नहीं, टू तक ही चलेगा, तो सबसे पहले एक हुआ तो एस्ट्रिक प्रिंट हो गया, ये वाला एस्ट्रिक प्रिंट हो गया आपका, और ये एंड क्या करेगा, आपको लाइन में कंटिन्यू बनाए रखेगा। फिर यहाँ पर ये जाएगा, आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, टू हो जाएगी, टू हुई तो चेक हुआ, हाँ तीन से छोटा है अभी दो, तो यहाँ पर आ गया एक एस्ट्रिक और प्रिंट हो गया, वो यहाँ पर प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, इस एंड ने इसको लाइन पर कंटिन्यू बनाए रखा है। जब ये थ्री होगा कंडीशन क्या हो जाएगी भैया, फॉल्स हो जाएगी, और ये बाहर आ जाएगा, यहाँ प्रिंट पर चले जाएगा, आपका कर्सर न्यू लाइन पर आ जाएगा। तो ऐसा ही आपका चलता रहेगा जब तक रो पाइप ना हो जाए, ठीक। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो पाइथन सेल पर चलते हैं हम, तो मैं कंट्रोल एन दबा देता हूँ, ठीक। तो मैं सबसे पहले डालता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6, ऐसा क्यों किया मैंने 1 to 6, इसलिए किया क्योंकि पांच रो हैं तो ए कम चलता है, इसलिए मैंने 6 डाल दिया, 5 तक चल जाएगा, ठीक। अब इनर लूप फॉर जे इन रेंज 1, i+1, ठीक। जितनी रो की संख्या होगी उतने ही तक चले, मतलब जितनी, मतलब रो की संख्या एक है तो एस्ट्रिक भी एक ही आए। फिर मैं करूंगा प्रिंट, एस्ट्रिक प्रिंट कराना है तो इसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा, यहां पर कॉमा, मैं एंड लिखूंगा, ये क्या करेगा आपको इसी लाइन पे कंटिन्यू बनाए रखेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो नई लाइन पर लाने के लिए मैंने ये प्रिंट लिख दिया है, ठीक है। तो इतना काम हम कर लेंगे, कंट्रोल एस करते हैं, तो मैंने इसको नाम दे दिया फॉर नेस्टेड डॉट py, ठीक है। तो रन करा के देखते हैं भाई, ये देख पा रहे होंगे आपका बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको नेक्स्ट। तो भैया ये देख रहे होंगे आप, ये रिवर्स हो रहा है, उसका जस्ट रिवर्स हो रहा है जो इससे पहले हमने किया हुआ था। तो इसमें क्या हो रहा है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें पहले 5 रो आ रही हैं, फिर 4 आ रही हैं, फिर 3 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 1 आ रहा है, ठीक। तो इसमें कैसे हो रहा है, तो ये लूप मैंने आपको बताया था ये रो बनाता है आपका, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर आई की वैल्यू 5 हुई, ठीक, तो ये अंदर गया, कब तक चलेगा, 5 तक चलेगा, इनर लूप कब तक चलेगा, 5 तक। तो 1 से लेके 6 हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, 5, 5+1, 6, बट 6 तक नहीं चलेगा क्योंकि अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है, उससे कम चलता है। तो 1 से लेके 5 तक चला तो आपके ये 5 स्ट्रिक आ गए, गॉट इट, ये हो गया। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, 6 हुआ, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नई लाइन पर आ जाएगा और आपका ये प्रिंट नई लाइन पर कर्सर ले आएगा। अब क्या हो, अब 5 से कम हो रहा है, 4 हो रहा है ना, तो मुझे -1 करना होगा, तो -1 कर दिया, 4 हो गया भाई। अब ये 4 क्या हुआ, यहाँ पर आया, 5 तो होगा बट 5 नहीं हो पाएगा बिकॉज अपर लिमिट कंसिडर नहीं करता है, तो 1 से 4 तक चल जाएगा, तो 4 आपके एस्ट्रिक आ गए बिकॉज इसकी वजह से 4 एस्ट्रिक आ गए, ठीक। फिर जब ये फॉल्स हुआ तो इस प्रिंट से ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ आ गया थर्ड रो पे, तो 1 कम हुआ, 3 हुआ, 3 हो गया। अब यहाँ आया तो 3+1, 4, 4 को कंसिडर नहीं करेगा, 1 कम, 1 से लेके 3 तक आ गया आपके, तो यही चलता रहेगा। तो इसका भी एक देख लेते हैं एग्जांपल कैसे बनेगा, ठीक। ध्यान देना है, सबसे पहले मुझे 5 रो, 5वीं रो चाहिए, ये मान के चलो कि एक रो में 5 एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज 5, 0, मुझे 1 तक चाहिए, मैंने 0 डाल दिया क्योंकि ये 0 को कंसीडर नहीं करेगा। अभी आपका 0 क्या है,
अपर लिमिट की जगह है, और इसमें एक कम हो रहा है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो प्लस 1, जितनी रो की संख्या है वहां तक चलिए, ठीक है। और मैं प्रिंट करा दूंगा एस्ट्रिक, ठीक है, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, बहुत इजी है ये, और मैं आपको बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इजी मेथड है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है ना। इतना बड़ा इशू है नहीं इसमें वैसे कुछ, बहुत इजी है, बस खाली अफवाहें हैं कि भैया नेस्टेड लूप बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर रिवर्स डॉट py, आप सेव किसी से भी कर सकते हो, एक्सटेंशन आपने .py लगाना है। तो भैया रन कर लेते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल सही आउटपुट मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो आपने ऐसे काम करना है, ओके। तो अब और देख लेते हैं, कुछ एक एग्जांपल और बना के रखा है। तो अब देख रहे होंगे आप, वैसे ये फर्स्ट वाले की तरह है, एस्ट्रिक वाले की तरह, बट यहाँ पर थोड़ी सा डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा है, फिर 2-2 आ रहा है, फिर 3-3 आ रहा है, फिर 4-4-4 आ रहा है, फिर 5-5-5 आ रहा है। भैया ये कैसे होगा, ठीक। अगर हम ध्यान दें, हमारे सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हो रही है, 1, फिर कितनी हो रही है, 2 हो रही है, फिर कितनी, 3, फिर 4, फिर 5। तो इस ये भी ऐसे ही काम कर रहा है। आपने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1-6, 1 से 6 तक, 6 को कंसिडर करेगा नहीं, 1 कम 5 तक करेगा, ठीक। तो फॉर जे इन रेंज 1-i+1, आई प्लस वन का मतलब है जितनी रो की संख्या है वहां तक चले। और फिर मैंने प्रिंट क्या करा दिया, बस यहाँ पर जो खेल था आपका प्रिंट कराने का था, मैंने आई को प्रिंट करा दिया, आई की सबसे पहली बार में वैल्यू कितनी हो रही है, 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब आई की जब ये फॉल्स हो गया, 1 फॉल्स हो गया, यहाँ पर से फॉल्स हो गया, अब ये नई लाइन पर कर्सर है, आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 2 होगी, 2 होगी, तो यहाँ से चला, मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है आई, आई अगर प्रिंट किया है तो क्या होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। तो यही है, बहुत ईजी है। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल तो देखना बहुत ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग में अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में नहीं आती जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, मस्ट है आपको प्रैक्टिकल करना। फॉर आई इन रेंज, अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ पैटर्न सीखने हैं तो मैं सिखा सकता हूँ आपको, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा बिल्कुल कमेंट करके। तो हमने क्या करना था, 1-6, ठीक है ना, 5 तक चाहिए, तो ये कर लिया मैंने। फॉर जे इन रेंज 1-i+1, सॉरी यहाँ पर आई नहीं, 1 नहीं लिखा, i+1, ठीक है। तो प्रिंट मैं क्या करूंगा, आई, बिकॉज जितनी रो की संख्या है वही नंबर वहां पर प्रिंट हो रहा है, तो सबसे पहली बार आई आ रहा है तो 1 है, तो दूसरी बार 2 आ रहा है तो आई की वैल्यू दूसरी बार में 2 हो जा रही है सेकंड रो में, तो यही तो हो रहा है। और मैं एंड लिख देता हूँ, ये लाइन को कंटिन्यू बनाए रखेगा, ठीक है। तो प्रिंट मैं लिख देता हूँ 1-2-3.py, ठीक है ना। तो रन करा के देखते हैं भैया, ये देख पा रहे होंगे आप, ये रिजल्ट आपका है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपने भी गाइस इसमें करनी है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी नेस्टेड में, इतना हार्ड है नहीं बट लोग कहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर बने रहिए चैनल पर, आज आपके लिए 2 होमवर्क हैं ये, ठीक है, तो इनको करके देखिए, ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वैसे हार्ड है नहीं, और अगर आप कर लेते हैं तो मुझे ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है, थैंक यू। अगर